19.3, फॉर एग्जाम्पल दिस वन। तो आपने वो रस्सी देखी है, रस्सी में क्या होता है कि वो वायर्स को आपने, जो धागे होते हैं उनको आपस में हेलिकली वाउंड किया होता है, हेलिकली ज्वाइन किया होता है। तो जैसे ही रस्सी को आप बांट देते जाते हैं आपस में करते जाते हैं, तो उसकी क्या होती है, रोप की जो आपकी स्ट्रेंथ होगी वो ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू सिंगल जो आपका धागा होता है। धागे की आपकी स्ट्रेंथ कम होगी, लेकिन धागों को आप जोड़ जोड़ के जब आप रस्सी बनाते हैं तो उसकी स्ट्रेंथ आपकी क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। तो वही कंसेप्ट इधर भी यूज किया हुआ है कि जो आपकी स्टील की एक वायर थी उसको क्या किया, 7 वायर्स को मिला के उसको जोड़कर, एक हेलिकली जोड़कर एक स्ट्रैंड बना दिया। सो डेफिनेशन स्ट्रैंड की क्या होगी, द टर्म स्ट्रैंड इज यूज्ड फॉर अ ग्रुप ऑफ वायर्स। अगर सिंगल वायर है उसको आपने वायर कहना है, अगर आप यू आर यूजिंग अ ग्रुप ऑफ वायर्स हेलिकली वाउंडेड, वो जो आप रस्सी की शक्ल में उसको जोड़ेंगे उसको आप क्या कहेंगे, स्ट्रैंड। द टर्म स्ट्रैंड इज यूज फॉर अ ग्रुप ऑफ वायर्स हेलिकली वाउंडेड एज यू कैन सी हेयर। ये आपको क्रॉस सेक्शन दिखाया हुआ है, तो लेंथ में ये बहुत ज्यादा है और क्रॉस सेक्शन में ये 7 वायर्स आपस में हेलिकली जुड़ी हुई हैं। तो इस जुड़ने को आपने क्या कहा है, स्ट्रैंड कहा है। एंड द थर्ड टर्म इज टेंडन। द टर्म टेंडन इज यूज्ड फॉर वन ग्रुप ऑफ रिइंफोर्समेंट कंसिस्टिंग ऑफ अ सिंगल वायर और स्ट्रैंड और ग्रुप ऑफ स्ट्रैंड यूज टूगेदर। तो फॉर एग्जाम्पल एक बीम के अंदर आप, आपका एक स्ट्रैंड ये है, दूसरा स्ट्रैंड इधर है, तीसरा स्ट्रैंड इधर है, तो नंबर ऑफ स्ट्रैंड या नंबर ऑफ वायर्स को आप क्या कहेंगे, टेंडन कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल बॉटम के ऊपर, इन एट बॉटम लेयर्स यू प्रोवाइडेड 3 स्ट्रैंड, तीन आपने स्ट्रैंड उधर प्रोवाइड किए या 3 वायर्स आपने उधर प्रोवाइड किए हैं, तो ये जो ग्रुप बन रहा है बॉटम के ऊपर इसको आप क्या कहेंगे, वन टेंडन कहेंगे। सो लेटर वी विल सी इन मोर डिटेल्स अबाउट दिस स्ट्रैंड एंड टेंडन्स। तो अभी आपने यही याद करना है कि हम 3 टेक्निकल टर्म्स यूज करते हैं, प्री स्ट्रेस स्टील वायर एंड स्टील स्ट्रैंड एंड स्टील टेंडन। वायर क्या है, वो सिंपल है, एक वायर जो आपकी थी हल्की सी, डायामीटर उसका क्या होगा, 2-3 मिलीमीटर या 4 मिलीमीटर हल्की, जो छोटी सी वायर आपकी होगी स्टील की उसको आपने क्या कह दिया, वायर। अगर वायर्स को आपने 7 वायर्स को जोड़ के, हेलिकली जोड़ के आपने उसको यूज किया, उसको आपने क्या कह दिया, स्ट्रैंड। और जो आपने एक मेंबर के अंदर, बीम के अंदर फॉर एग्जाम्पल आपने डिफरेंट स्ट्रैंड्स को जोड़कर इकट्ठा यूज किया है, तो उसको आप क्या कहेंगे, टेंडन। सो देर आर 3 टर्म्स यू शुड बी नोइंग, ऑल दीज 3 टर्म्स, सिंगल वायर इज वायर एंड ग्रुप ऑफ वायर्स नॉर्मली 7 वायर्स हेलिकली वाउंडेड वी से स्ट्रैंड एंड ग्रुप ऑफ स्ट्रैंड वी विल से टेंडन। और अगर आप स्टैंडर्ड्स यूज करना चाह रहे हैं तो आप देख सकते हैं। सो नॉर्मली वी हैव, वी विल बी यूजिंग 2 टाइप्स ऑफ ग्रेड। दी वन ग्रेड इज 1725 MPa, वी से ग्रेड 1725। वट डज इट मीन, द स्ट्रेंथ ऑफ दिस स्टील वुड बी 1725 MPa। इफ यू वॉन्ट टू यूज दिस ग्रेड सो यू कैन रेफर टू ASTM A421, लेकिन इसको आपको जरूरत नहीं है याद करने की। एंड द सेकेंड ग्रेड इज नॉर्मली वी यूज इन अवर डिजाइन इज 1860 MPa। एंड इफ यू वॉन्ट टू यूज अदर स्टील बार्स सो यू कैन रेफर टू ASTM A722। सो जो अब आपने याद रखना है, जो आपने जो डिफरेंट चीज है वो आपने याद रखनी है। द मोस्ट कॉमनली यूज स्टील फॉर प्री स्ट्रेस कंक्रीट इज इन द फॉर्म ऑफ 7 वायर अनकोटेड, कोटेड नहीं होता है उसके ऊपर, किसी किस्म की आपने कोटिंग नहीं की होती है, स्ट्रेस रिलीव्ड, स्ट्रेस रिलीव्ड होता है उसमें स्ट्रेसेस नहीं होती हैं, स्ट्रैंड यूज करते हो आप, 7 वायर का स्ट्रैंड यूज करते हो। ये आपने याद रखना है नॉर्मली, कि नॉर्मली हम डिजाइन में 7 वायर्स को जोड़ के जो स्ट्रैंड बनाते हैं उसकी जो ग्रेड होता है वो ग्रेड होता है 1725 MPa वाला यूज करते हैं या 1860 MPa वाला ग्रेड यूज करते हैं। वी यूज नॉर्मली 7 वायर स्ट्रैंड हैविंग
कैपेसिटी और ग्रेड 1725 मेगा पास्कल और 1860 मेगा पास्कल। जो ओनली डिफरेंस यहाँ पे आपने याद रखना है, जब आप नॉर्मल स्टील बार की बात करते हो और उसके ग्रेड की बात करते हो, फॉर एग्जांपल ग्रेड 280 और ग्रेड 300 और ग्रेड 420, तो उसमें 280 क्या शो करता था आपको, कौन बताएगा ग्रेड 280 का क्या मतलब है? किसी को याद है कि जब हम बात करते हैं ग्रेड 280 स्टील, तो 280 मेगा पास्कल क्या चीज है, उसकी यील्ड स्ट्रेंथ है या उसकी अल्टीमेट स्ट्रेंथ है? अल्टीमेट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जी, स्टील की तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की तो बात ही नहीं होती है, स्टील हम हमेशा टेंशन के लिए यूज करते हैं, तो उसकी जो टेंशन में आपकी जो ग्रेड को आप बात करते हैं वो नॉर्मल स्टील बार में, आप यील्ड स्ट्रेंथ की बात करते हैं। 280 मेगा पास्कल उसकी यील्ड स्ट्रेंथ है, एफ वाई। आपको याद होगा आप डिजाइनिंग में एफ वाई यूज करते हैं, एफ वाई इज इक्वल टू 280 मेगा पास्कल और एफ वाई इज इक्वल टू 300 मेगा पास्कल और एफ वाई इज इक्वल टू 420 मेगा पास्कल। तो वो जो आपका वो ग्रेड शो करता था वो उसकी यील्ड स्ट्रेंथ को शो करता, लेकिन जब आप प्री स्ट्रेस स्टील वायर को यूज कर रहे हैं तो उसमें जो ग्रेड होगा वो आपका अल्टीमेट उसकी स्ट्रेंथ होगी, एफ पी यू। F is for stress, P is for pre-stress, and U is for ultimate. So here, when I talk about 1725 megapascal, it would be meaning that I am talking about ultimate strength of your steel wire or steel strand. तो ये इन दोनों में फर्क है। अगर आपकी normal steel bar है, तो उसका अगर grade है, तो उसका मतलब है कि वो आपकी yield strength है। उस megapascal के ऊपर आपकी steel क्या होगी? Yield कर जाएगी। लेकिन अगर हम प्री स्ट्रेस स्टील वायर की बात कर रहा हूँ या स्ट्रैंड की बात कर रहा हूँ, उसके ग्रेड की बात कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल 1725 मेगा पास्कल की बात कर रहा हूँ, तो इसका मतलब है कि ये अल्टीमेट स्ट्रेंथ है, इसके बाद ये वाली जो स्टील वायर है वो टूट जाएगी, अल्टीमेट की बात हो रही है। तो कोई स्टूडेंट ये पूछ सकता है कि सर इसमें आप यील्ड स्ट्रेंथ को क्यों नहीं यूज कर रहे हैं, अगर आप नॉर्मल स्टील बार में ग्रेड को शो कर रहे हैं यील्डिंग स्ट्रेंथ के साथ, तो इसमें भी आप शो करते एफ पी वाई के साथ। तो उसका आंसर देख लेते हैं। प्री स्ट्रेसिंग स्टील डजंट एग्जिबिट द डेफिनेट स्टील डेफिनेट यील्ड पॉइंट कैरेक्टरिस्टिक्स फाउंड इन द नॉर्मल डक्टाइल स्टील यूज्ड इन रिइंफोर्समेंट स्टील। इसका क्या मतलब है कि ये जो आप स्पेशल टाइप की प्री स्ट्रेस स्टील यूज कर रहे हैं, इस स्टील की आपकी यील्ड स्ट्रेंथ डेफिनेट नहीं होती है, आपको नहीं पता होता है कि एग्जैक्ट कितनी इसकी यील्ड स्ट्रेंथ होगी। For example, this is your pre-stressed steel wire. For example, ये grade आपका है grade 1035.